हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं थायरो केयरटेक के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 866 की करंट प्राइस चल रही है। आज के दिन में स्टॉक में थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिल रही है और पिछले एक साल के रिटर्न की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक में 50% से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आप चार्ट देख रहे हो, हमने इसे 1 डे टाइम फ्रेम में सेट किया है। एग्जैक्टली इसी ब्रेकआउट पर हमने वीडियो बनाया था, स्टॉक में यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है। वैसे ही यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी तेजी आने वाले दिनों में जो है देखने को मिल चुकी है। अभी देख सकते हो आप, फिर से स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद फिर से रिटेस्ट करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अभी यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। 820 से लेके 840 का सपोर्ट जोन रहेगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा ही रहेगी स्टॉक में यहीं से हमें ऊपर की ओर तेजी देखने को मिल सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पे बन चुका है ऑलमोस्ट 915 से लेके 920 का। इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो फर्दर और भी तेजी यहाँ पे आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहले से ही स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रहे हो तो इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। उम्मीद करता हूं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे की सारी डिटेल आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब चलते हैं टिकर टिप वेबसाइट पे। दोस्तों अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। स्कोर कार्ड की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है, आप यहां से एंट्री ले सकते हैं एज पर टिकर टिप वेबसाइट। लेकिन यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि यहाँ पे मॉडरेट नंबर्स ऑफ रेड फ्लैग देखने को मिल रहे हैं। जब भी हम कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं तो एक बार ज़रूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हेल्थ केयर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, स्मॉल कैप है, जिसका मार्केट कैप 4541 CR का देखने को मिलता है और स्टॉक में हमें मॉडरेट रिस्क देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब चेक कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग, एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। टू एनालिस्ट हमें यहाँ पे 100% बाइंग की सलाह दे रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी सलाह, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए जल्दी स्टॉक में और भी तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं पीएस की। पीएस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ के लिए केयर और साथ ही साथ में फोर्टिस हेल्थ केयर। और प्राइस कंपेरिजन की बात करेंगे तो आप देख सकते हो प्राइस कंपेरिजन में हमें यहाँ पे सारे स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है सेक्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस तक तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है। तो दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।